हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पंचायत सचिव परीक्षा का जो आखिरी दिन है, यानी कि 4 फरवरी का सामान्य ज्ञान प्रश्न का डिस्कस करेंगे और उसका आंसर की बताएंगे। जैसे देखा जाए, ये पेपर तो ओवरऑल ठीक ठाक है। बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो पिछले 2 परीक्षा और एक जो राजस्व कर्मचारी परीक्षा थी उससे रिपीट हुए हैं, और कुछ प्रश्न टफ भी हैं, तो ओवरऑल ठीक माना जाएगा। आप हमारे YouTube चैनल JHSSC ट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया ऑब्जर्व, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि सारे के सारे ऑप्शन गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 नवंबर, यानी कि 26 नवंबर। इसलिए 1 का सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 2, द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड मोर देन $500 मिलियन फॉर टू बूस्ट इकोनॉमी इन 2017। विश्व बैंक ने जून 2017 में अर्थव्यवस्था को उत्साहित करने के लिए हेतु किस देश को $500 मिलियन से अधिक स्वीकार किए हैं? तो इसका सही उत्तर बी है, अफगानिस्तान। प्रश्न 3, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, अम्लीय वायरस किसके कारण होती है? तो ये सेम टू सेम प्रश्न देख सकते हैं आप, राजस्व कर्मचारी का जो परीक्षा हुआ था उसमें ये प्रश्न सेम टू सेम था। तो इसका सही उत्तर सी है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण होता है। प्रश्न 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस, इनमें से क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो इसका सही उत्तर ए है, स्कैनर, जो कि इनपुट डिवाइस होती है। प्रश्न 5, इन एमएस वर्ड विच फंक्शन की इज यूज टू डिस्प्ले सेव एज डायलॉग बॉक्स, एमएस वर्ड में किस फंक्शन का प्रयोग सेव एज डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है? तो इसका सही उत्तर डी है, F12। प्रश्न 6, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी, हैविंग मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर न्यूनतम संभव प्रतिबंध रखना। ग्लोबलाइजेशन है मतलब अपना इकोनॉमी विश्व के इकोनॉमी से रिलेट करना, इसलिए 6 का सही उत्तर डी है। प्रश्न 7, हु लेड द ट्राइबल रिवोल्ट एंड मैनेज टू इंज्योर ए ब्रिटिश आर्मी चीफ बिफोर इंडिपेंडेंस? तो इसका सही उत्तर ए है, बिरसा मुंडा। आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुआ था? तो 7 का सही उत्तर ए है, बिरसा मुंडा। प्रश्न 8, एज पर द 8th शेड्यूल द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर डी है, 22। प्रश्न 9, हु अमंग द फॉलोइंग हैज को-ऑथर्ड द बुक इंडिया एस्पायर्स, रीडिफाइनिंग पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट विथ नितिन गडकरी, नितिन गडकरी के साथ इंडिया एस्पायर्स रीडिफाइनिंग पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के सह लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर बी है, तुहिन ए सिन्हा, जो जमशेदपुर के हैं। इनसे रिलेटेड प्रश्न पंचायत सचिव परीक्षा के 3 जो हुए, 21, 28 और 4, सभी दिन इनसे रिलेटेड प्रश्न है। 8 से 10 पुस्तक इन्होंने लिखी है, आप विकिपीडिया पर सर्च करके 8-10ों को रट जाए, ये झारखंड के एग्जाम में जरूर ही आएंगे आने वाले एग्जाम में। इसलिए 9 का सही उत्तर बी है, तुहिन ए सिन्हा, जमशेदपुर से रिलेट करते हैं। प्रश्न 14, झारखंड से रेसिडेंट दीप सेन गुप्ता ऑन द वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप इन, झारखंड के निवासी दीप सेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप को किस वर्ष जीता था? इसका सही उत्तर डी है, 2000। प्रश्न 15, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ गोल्ड लीफ्स, द बुक ऑफ गोल्ड लीफ्स लिप्स के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ए है, मिर्जा वाहिद। प्रश्न 16,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इसका सही उत्तर ए है, एमएस एक्सेल। प्रश्न 17, हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर सेंचुरी इन थ्री कंसेक्यूटिव इन थ्री सक्सेसिव टेस्ट मैचेस, तीन निरंतर टेस्ट मैचों में एक सेंचुरी लगाने वाला भारतीय पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? इसका सही उत्तर सी है, विजय हजारे। प्रश्न 10, एमएस धोनी इज द ओनली कैप्टन इन द वर्ल्ड टू हैव ऑन द ऑल द मेजर आईसीसी ट्रॉफीज, कितनी आईसीसी प्रमुख ट्रॉफियां अर्जित करने वाले एमएस धोनी विश्व के एकमात्र कप्तान है? तो इसका सही उत्तर ए है, तीन, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टी20। प्रश्न 11, द सैटेलाइट ऑफ यूकेडर विच वॉज डैमेज्ड ऑन कोलिजन विद रशिया डेब्रिस इन स्पेस इज, इक्वाडोर का उपग्रह जो अंतरिक्ष में रूसी मलबे से टकराकर नष्ट हो गया था, तो इसका सही उत्तर सी है, पेगासस। प्रश्न 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ओलिचकी स्क्रिप्ट, निम्न में से कौन सा कथन ओलचिकी लिपि के बारे में सही नहीं है? तो सही उत्तर है इसका बी, इट इज एन ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ एंगिका लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो प्रश्न पूछा कौन सा नहीं है, तो इसका उत्तर सही है बी, अंगिका लैंग्वेज इस ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ अंगिका जो होता है वो देवनागरी ही होता है, याद रखिएगा। प्रश्न 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइविंग फोर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, निम्नलिखित में से कौन सी एक संचालक शक्ति है जो किसी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक विकास को प्रभावित करती है? इसका सही उत्तर डी है, ऑल ऑफ दीज। प्रश्न 18, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज जोबा मुर्मू ए स्कूल टीचर ऑनर्ड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड, जोबा मुर्मू एक स्कूल शिक्षिका को उनकी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? इसी से रिलेटेड प्रश्न 28 जनवरी के परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए सही उत्तर इसका है सी है, ओलोन बहा, जो बच्चों के लिए स्टोरीज है। प्रश्न 19, वेनेसा एंड हर सिस्टर इज ऑथर्ड बाय, निम्नलिखित में से वेनेसा अंडर हर सिस्टर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर आपके बी है, प्रिया परमार। प्रश्न 20, झारखंड हाई कोर्ट केम इन टू बीइंग ऑन, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर ए है, 15 नवंबर 2000। हु इज कंसिडर्ड एट द आयरन लेडी ऑफ झारखंड, निम्नलिखित में से झारखंड की आयरन लेडी किसे कहा जाती है, किसे मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर बी है, दयामानी बरला। जब ईस्टर्न इंडिया में आरसेलर मित्तल की जो स्टील कंपनी लग रही थी, तो इन्होंने अपना भरपूर विरोध किया था, अगर ये स्टील इंडस्ट्री लग जाती तो कम से कम 25 गांवों को उजड़ने पे बेबस किया जाता, इसलिए 21 का सही उत्तर बी है, दयामणि बरला। प्रश्न 22, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड इज, झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? इसका सही उत्तर सी है, जमशेदपुर। प्रश्न 23, द मेन नेचुरल डिवीजन ऑफ झारखंड इज, झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाव कौन सा है? इसका सही उत्तर डी है, छोटा नागपुर पठार। प्रश्न 24, इन एमएस एक्सेल 2003 ए वर्कशीट कैन हैव द मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी रोज, एमएस एक्सेल 2003 में एक वर्कशीट की अधिकतर पंक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही उत्तर डी है, 65,536। प्रश्न 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर वायरस, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? इसका सही उत्तर सी है, मैकेप है, जो कि एक एंटीवायरस है। प्रश्न 26, विलेज कम्युनिटी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए, ग्राम समुदाय को किस प्रकार वर्णित किया गया है? इसका सही उत्तर ए है, समान पीढ़ी अलग भूमि वाले लोगों को समूह। प्रश्न 27, हु वन द लॉरियस 2017 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, लॉरेंस 2017 वर्ष के खिलाड़ी के पुरस्कार किसने जीता था? इसका सही उत्तर डी है, उसेन बोल्ट।
प्रश्न 28, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इमर्ज फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू इन प्लामू डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्लामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? इसका सही उत्तर डी है, साउथ कोयल। प्रश्न 29, अकॉर्डिंग टू लेजेंड राजा रॉय देव ऑफ उड़ीसा हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द रूलर ऑफ झारखंड इन द विच सेंचुरी। कौन किंवदंती के अनुसार किस सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था? यह भी प्रश्न 28 जनवरी में आई हुई है, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो मैंने समझाया भी है, इसलिए सही उत्तर इसका सी है, 29 का सी। प्रश्न 30, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एमएसआई, एमएसआई का विस्तार क्या है? तो इसका सही उत्तर ए है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। प्रश्न 31, सिस्टम बायोस एंड रोम चिप्स आर सिस्टम बायोस और रोम चिप्स को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर डी है, बूटवेयर। प्रश्न 32, झारखंड ऑक्यूपाइज द पोजीशन इन आयरन ओर रिजर्व लो एसेट भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो 32 का सही उत्तर बी है, दूसरा। प्रश्न 33, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? इसका सही उत्तर डी है, इनपुट डिवाइस है। प्रश्न 24, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू डाटाबेस, निम्नलिखित पदों में से क्या डाटाबेस से संबंधित है? इसका सही उत्तर सी है, ओरेकल, जो कि ओरेकल एक डाटाबेस होती है, कंपनी है जो डाटाबेस प्रोवाइड करती है। प्रश्न 35, द हेड ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम इज, भारतीय संसद प्रणाली के प्रमुख कौन है? तो इसका सही उत्तर बी है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होते हैं जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो बस लोकसभा के हेड होते हैं, और स्पीकर ऑफ राज्यसभा जो है बस राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभापति। तो इसलिए भारतीय संसद प्रणाली के प्रमुख जो है वो बी है, राष्ट्रपति। 36, द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ माइनर मिनरल्स इन झारखंड वाज एस्टिमेटेड एट 40 करोड़ फॉर द ईयर, किस वर्ष के लिए छोटे खनिज पदार्थों का उत्पादन मूल्य अनुमान के मुताबिक 40 करोड़ था? तो दोस्तों इसमें से तीनों ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन सही है जो है डी है, इनमें से कोई नहीं। ये उत्पादन जो हुआ था, ये जो डाटा है वो था 2014-15 के लिए, इसलिए 36 का सही उत्तर डी है। प्रश्न 37, द मेनू विच इज यूज टू सिलेक्ट कट कॉपी एंड पेस्ट इज कॉल्ड, किस मेनू का उपयोग सिलेक्ट कट कॉपी और पेस्ट करने हेतु किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका डी है, एडिट। प्रश्न 28, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू मूव बैकवर्ड थ्रू द टैब्स, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग टैब्स के द्वारा पीछे, याद रखिएगा, पीछे जाने के लिए किया जाता है? तो मैं जो चारों ऑप्शन देख रहा हूँ, ये चारों ऑप्शन गलत हैं अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप इसका सवाल का जवाब अगर आपको मिलती है तो कमेंट में जरूर करें। इसका जो सही जो शॉर्टकट की होता है वो होता है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए 30 को पेंडिंग स्टेट में रखिए, 38 को। 39, इन झारखंड द फेमस टाइगर हिल इज ऑल्सो नाउन एज, झारखंड में प्रसिद्ध टाइगर हिल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर ए है, मोराबादी हिल, ये भी 28 जनवरी की एग्जाम में पूछा गया था। झारखंड के किस विभाग ने 100 सरकारी कार्यालयों के भवनों के छतों पर और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? इसका सही उत्तर डी है, ऊर्जा, एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड। प्रश्न 41, चैत्र पर्व फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, चैत्र पर्व त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर ए है, अप्रैल। प्रश्न 42, व्हेन वाज द हिस्ट्री ऑफ झारखंड बिलीव टू हैव बिगन, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? इसका सॉल्यूशन, इसका तो अभी डाउट में हूँ, इसको स्किप करता हूँ, इसको बताऊंगा बाद में। प्रश्न 43 देखते हैं,
इज द स्मॉल प्रोग्राम इम्बेडेड इनसाइड ए जीआईएफ इमेज, वो कौन सा एक छोटा प्रोग्राम है जो एक जीआईएफ चित्र में निहित होता है। तो इसका सही उत्तर ए है, 43 का वेब बग। 44, विच डाटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज टू ट्रांसमिट द डाटा ओवर ए सीरियल कम्युनिकेशन लिंक, किस डाटा कम्युनिकेशन विधि का प्रयोग एक सीरियल कम्युनिकेशन लिंक को डाटा ट्रांसमिट करने हेतु किया जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका सी है, फुल डुप्लेक्स। प्रश्न 45, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइव ईयर प्लान्स डिड द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी गेट प्रायोरिटी, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी गई थी। तो इसका सही उत्तर सी है, फिफ्थ पांचवी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न 46, इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2017 इंडिया हैज सिक्योर्ड विच पोजीशन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2017 में भारत ने किस स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही उत्तर सी है, 60वें। प्रश्न 47 देखते हैं, राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ झारखंड कवरिंग हाउ मच परसेंट ऑफ द क्रॉप एरिया, चावल झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है जिसके अंतर्गत कितनी फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग आता है। इसका सही उत्तर सी है, 80%। प्रश्न 48, द क्यूल रिवर ओरिजिनेट्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, क्यूल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है। इसका सही उत्तर सी है, गिरिडीह, ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी भी है। प्रश्न 49, द लॉन्च ऑफ 31 मल्टी स्किल स्कीम इज ए हिस्टोरिकल मूव एज इट विल केटर टू नीड्स ऑफ द यंगस्टर्स फ्रॉम झारखंड एंड 13 अदर स्टेट्स, 31 बहुकौशलीय योजना का शुभारंभ एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि यह झारखंड और 13 अन्य राज्यों की युवाओं की जरूरतों को पूरा करेगा, यह किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर बी है, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। प्रश्न 50, मैंने बोला था आपको 28 जनवरी के पेपर में कि इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, यही एक झारखंड से जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और प्रश्न आई भी है। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय पद्म भूषण विनर वाज बोर्न इन, पद्म भूषण विजेता शैलेश कुमार बंदोपाध्याय का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर बी है, 1926। प्रश्न 51 देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड दीपिका कुमारी सिविलियन ऑनर ऑफ पद्मश्री इन, भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था। ये भी 28 जनवरी के प्रश्न में देख सकते हैं आप। इसका सही उत्तर डी है, 2016, जिसमें दीपिका कुमारी और सिमोन उरांव दोनों को मिला था, और 2017 में मुकुंद नायक और बलबीर दत्त को मिला था पद्मश्री। प्रश्न 52, दिस सब इवेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, सब इवेंट किस प्रकार का एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर ए है, ट्रोजन हॉर्स। प्रश्न 53, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू एन ईमेल अकाउंट दैट इंक्लूड्स ए स्टोरेज एरिया, निम्नलिखित मंदों से किसका उपयोग एक ऐसे ईमेल अकाउंट हेतु किया जाता है जिसमें कि स्टोरेज क्षेत्र होता है। इसका सही उत्तर सी है, मेलबॉक्स। प्रश्न 54, इन विच टोपोलॉजी आर द नेटवर्क्स कंपोनेंट्स कनेक्टेड टू द सेम केबल, कौन सी टोपोलॉजी में नेटवर्क्स कंपोनेंट्स उसी केबल से जुड़े होते हैं। तो इसका सही उत्तर सी है, बस टोपोलॉजी। प्रश्न 55, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ झारखंड क्रांति दल वाज इन द विच ईयर, झारखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही उत्तर 55 का सही उत्तर आपका ए है, 1980 में हुई थी। प्रश्न 56 देखते हैं, इन विच स्टेट इज द कोल्लम बीच लोकेटेड, कोल्लम बीच किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर सी है, केरला में। प्रश्न 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। इसका सही उत्तर डी है, गूगल क्रोम, जो हम लोग यूज करते हैं। प्रश्न 58, लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही उत्तर इसका ए है, ओपन सोर्स।
प्रश्न 59, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, निम्नलिखित में से क्या मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करता है? तो इसका सही उत्तर ए है, मोडेम। अगर इसका फुल फॉर्म जानते होंगे तो आंसर उसी में है। मोडेम का फुल फॉर्म जो होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, उसका ही काम वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में काम करता है। प्रश्न 60, इन 2017 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। 2017 में निम्नलिखित में से किसे गुड्स और एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क का कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर ए है, काजल सिंह। प्रश्न 61 देखते हैं, द करेंसी ऑफ एंटीगुआ एंड बारबुडा इज, एंटीगुआ और बारबुडा की मुद्रा क्या है? तो इसका सही उत्तर बी है, ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर। प्रश्न 62, इन 2012 झारखंड गवर्नमेंट साइन एन एमयू विथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया फॉर आईटी पार्क एट। 2012 में झारखंड सरकार ने किस स्थान पर आईटी पार्क हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही उत्तर ए है, सिंदरी, बीआईटी सिंदरी कॉलेज के पास। प्रश्न 63, 1 GB यानी कि गीगाबाइट इज इक्वल टू, 1 GB में 1024 MB होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर सी है। प्रश्न 64, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ए है, पार्ट 9। पार्ट 10 जो होती है वो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। प्रश्न 65 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स इज हेल्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ माघ एट हरली एंड सिलावा नियर हजारीबाग। इनमें से कौन सा मेला हजारीबाग जिले के निकट हरली और सिलावा में हर साल माघ महीने में आयोजित होता है? इस प्रश्न में मुझे डाउट है, लेकिन इसका जो आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए, शिव चतुर्दशी। प्रश्न 66, ड्यूरिंग द एज ऑफ महाजनपदराज अराउंड 500 BC इंडिया सॉ द इमर्जेंस ऑफ हाउ मेनी लार्ज स्टेट्स दैट कंट्रोल द इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 500 BC के आसपास महाजनपद युग दौरान भारत में कितने बड़े राज्यों का उदय हुआ जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को नियंत्रण किया था? इसका सही उत्तर डी है, 16। प्रश्न 67, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स इंडिजिनियसली डेवलप्ड थर्ड एडवांस्ड एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल इन दिसंबर 2017। इन भारत में दिसंबर 2017 में देश में ही विकसित उत्पन्न वायु रक्षा तृतीय सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का प्रशिक्षण कहां में सफलतापूर्वक किया? तो इसका सही उत्तर डी है, उड़ीसा, बालासोर जो जगह है, जिला है। प्रश्न 68, झारखंड का अप्रोक्सीमेटली बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेजर जोन्स बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल डिपॉजिट्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। कच्चे माल के भंडार और कीकरण के आधार पर झारखंड को लगभग कितने प्रमुख क्षेत्र में बांटा जा सकता है? इसका सही उत्तर सी है, 8। प्रश्न 69 की तरफ बढ़ते हैं, 69, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क वाज, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता क्या है? इसका सही उत्तर बी है, 1.44 MB। प्रश्न 70, इंडियन फार्मर्स इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेल्योर इज द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द मेजर मेथड्स ऑफ रिस्क कवरेज बाय इंडियन फार्मर्स इन। फसल खराब हो जाने की स्थिति में भारतीय किसानों द्वारा भारतीय किसान बीमा द्वारा जोखिम कवर किया जाना इसमें से किस प्रक्रिया की प्रमुख विधियों में से एक है? तो सही उत्तर इसका ए है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित फसल। प्रश्न 71, द इंडियन नेशनल यूनियन वॉज फॉर्मड इन 1884 बाय, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1874 में किसके द्वारा हुई थी? इसका सही उत्तर ए है, एओ ह्यूम। इस प्रश्न का उत्तर मैं गलत बता रहा हूं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन 71 का जो मैंने देखा उसका उत्तर एओ ह्यूम है, ए। प्रश्न 72, ऑन द डे ऑफ द कर्मा फेस्टिवल द डीओटी फास्ट फॉर अबाउट
हाउ मच आवर्स, कर्म त्योहार के दिन श्रद्धालु लगभग कितने घंटे का उपवास रखते हैं? तो इसका सही उत्तर सी है, 24 आवर्स। प्रश्न 73, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द मोबाइल ऐप इंडिया क्वेक टू सेंड अलर्ट्स ऑन अर्थक्वेक पैरामीटर्स, भूकंप मापदंडों पर चेतावनी भेजने के लिए किसने मोबाइल ऐप इंडिया क्वेक विकसित किया है? इसका सही उत्तर बी है, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी कि NCS। प्रश्न 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इक्वेटोरियल गुएना, याद रखिएगा इक्वेटोरियल पूछा है, निम्नलिखित में से इक्वेटोरियल गुएना की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आपका ए है, मलाबो। प्रश्न 75, ड्यूरिंग 2015-16 झारखंड हैड अराउंड 634.41 मिलियन टन्स ऑफ रिजर्व्स, वर्ष 2015-16 के दौरान झारखंड के पास लगभग 634.71 मिलियन टन किसका भंडार था? तो इसका सही उत्तर आपका है डी है, लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। प्रश्न 76, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ VGA, VGA का विस्तार क्या है? इसका सही उत्तर ए है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। प्रश्न 77 देखेंगे, एरर्स इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में गलतियों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर सी है, बग। प्रश्न 78, द डिसीजन टू अलाउ स्टूडेंट्स टू राइट देयर स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन वाज टेकन बाय द झारखंड गवर्नमेंट इन 2016, झारखंड को अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा में लिखने का निर्णय झारखंड सरकार ने 2016 में दिया था किस भाषा को? तो ये भी प्रश्न 28 जनवरी को आई थी, सेम टू सेम प्रश्न है, इसका सही उत्तर ए है, कुड़ुक। प्रश्न 79, अपार्ट फ्रॉम इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज इज तमिल एन ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत के अलावा निम्नलिखित में से कौन से दो देशों में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? तो ये प्रश्न राजस्व कर्मचारी की परीक्षा में भी आई थी और आज भी आई है, इसलिए सेम टू सेम है, उसमें बस एक ऑप्शन दिया था जो सिंगापुर था, तो आप ये देख सकते हैं उस प्रश्न के आधार पे एक ऑप्शन इसमें केवल बी में आता है, तो आप तुक्का मार सकते हैं, लेकिन दो देश में बोला जाता है तो ये है श्रीलंका और सिंगापुर, याद रखिएगा 79 का बी। प्रश्न 80, इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड, और हिंदी में लिखा हुआ है झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। प्रश्न खुद गलत प्रश्न JSSC ने सेट करवाया है, इंग्लिश में देख सकते हैं लिखा है इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड, इसका आंसर ए होगा, हिंदी, और झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है, तो आप इंग्लिश को ही पढ़ें और इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही जवाब दें, तो 80 का उत्तर ए होगा, हिंदी। प्रश्न 81, विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कौन सा अनुच्छेद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर डी है, आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। प्रश्न 82, Which of the following famous singers has won 5 awards at the 59th Grammy Awards 2017? इनमें से कौन से प्रसिद्ध गायक ने 2017 में 59वें ग्रैमी पुरस्कार पर समारोह में 5 पुरस्कार जीते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका ए है, एडले। प्रश्न 83, Which of the following refers to memory in a computer? निम्नलिखित में से कंप्यूटर की मेमोरी किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ए है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न 84, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज इशांक जग्गी एसोसिएटेड, पिछले 28 जनवरी के प्रश्न में इशांक जग्गी से पूछा था कि कौन से किसने डबल सेंचुरी मारी है झारखंड की तरफ से टेस्ट में रणजी में, और आज पूछा कि इशांक जग्गी ने किस खेल से संबंधित रखते हैं, तो आसान सा सवाल है, 84 का सही उत्तर बी है, क्रिकेट। 85, Who among the following is an Indian journalist and news presenter in झारखंड, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है?
इसका सही उत्तर डी है, अंजना ओम कश्यप जमशेदपुर की है। प्रश्न 86, हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल विनर फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन था? तो इसका सही उत्तर ए है, केडी जाधव। प्रश्न 87 देखेंगे हम लोग। प्रश्न 91, फ्लॉपी डिस्क विच वेर मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल वेर ऑल्सो कॉल्ड, इसका सही उत्तर डी है, टेम्पलेट्स। प्रश्न 92, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एट द फादर ऑफ इंडियन रेलवे, इनमें से भारतीय रेलवे के पिता किन्हें माना जाता है? इसका सही उत्तर डी है, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 93, हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड सेकेंड एंड इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड यूजिंग इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करते हुए निम्न में से किसने दुनिया का दूसरा और भारत का पहला बच्चा सृजित किया है? तो 93 का आपका सही उत्तर सी है, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। 1914, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज स्टार्टेड बाय जतरा उरा, ये भी प्रश्न रिलेटेड है 28 जनवरी से, इसका सही उत्तर बी है, ताना भगत आंदोलन। 95, हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेस हैज ऑन द दादा साहेब फाल्के एकेडमी अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अकादमी पुरस्कार इनमें से किस अभिनेत्री ने जीता है? तो इसका सही उत्तर आपका डी है, प्रियंका चोपड़ा। अगर मैंने कोई प्रश्न स्किप कर दी हो, अगर कोई पेज मैंने बताना चला हो कि अगर नहीं की हो तो आप जरूर बताएं। अब टंकन के जो प्रश्न है वो देखता हूँ। 96 का जो है पैसा शब्द में मात्रा के लिए, उसका सही उत्तर आपका डी है। 97, कंप्यूटर में स्पेस बटन, इसका सही उत्तर बी है। 98, नमन शब्द टाइप करने के लिए उंगली को सही क्रम का चयन कीजिए, इसका सही उत्तर बी है 98 का। आपका 99 का सही उत्तर ए है। 100 का आपका सही उत्तर बी है। 101 का आपका सही उत्तर सी है। 102 का सही उत्तर डी है। 103 का सही उत्तर सी है। 104 का सही उत्तर बी है। 105 का सही उत्तर सी है। 106 का सही उत्तर डी है। 107 का सही उत्तर सी है। 108 का सही उत्तर सी है। 109 का सही उत्तर सी है। 110 का भी सही उत्तर सी है। 111 का जो सही उत्तर है वह बी है। 112 का जो सही उत्तर है वो बी है। 113 का जो सही उत्तर है वो ए है। 114 का जो सही उत्तर है वो बी है। 115 का जो सही उत्तर है वो डी है। 116 का जो सही उत्तर है वो बी है। 117 का जो सही उत्तर है वो ए है। 118 का जो सही उत्तर है वो सी है। 119 का जो सही उत्तर है वो डी है। और अंतिम 120 का जो सही उत्तर है वो बी है। तो ये रही आज की आपके जीके के प्रश्न और टंकन के प्रश्न का सॉल्यूशन। अगर कोई डाउट हो किसी प्रश्न में, अगर लगता हो कि मैंने गलत बताए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू 100% करेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं 100% एरर फ्री दूँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें आप 65% भी लाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। और ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपने निगेटिव कितना की है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ा फैक्टर होता है निगेटिव। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे वेबसाइट jhssc.in पे प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पेज से जुड़ें, झारखंड गवर्नमेंट जॉब्स, जहाँ पे आप सभी झारखंड से
घटित सभी लेटेस्ट जानकारी पा सकते हैं। अब जल्द ही एनालाइज करके एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पंचायत सचिव के कटअप के बारे में बताऊंगा कि क्या कटअप हो सकती है और कितना नंबर आपको सेफ जोन में रख सकता है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं झारखंड सामान्य ज्ञान का पीडीएफ जो है, जो प्रश्न उत्तर है, उस जो जो जीके का जो पोर्शन है उसके बेस्ड पे एक सीरीज ला रहा हूँ जिसमें 5 से 6 वीडियो बनाऊंगा और झारखंड जीके का सारा वीडियो, सारा प्रश्न और सारी नॉलेज शेयर करने का कोशिश करूंगा जो कि बहुत ही उपयोगी होगी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।